विक्रम खाना लेकर आ रहे हैं, ये हमारी रोज की रूटीन है। ये विक्रम है जी, ये पूरा नाम बताओ। विक्रम मसीह सर। विक्रम मसीह जी। रिजवान भाई ने भी कहा कि इंडिया जो है ना, वो तो मेरा तो ड्रीम डेस्टिनेशन है इंडिया। वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए जहां पर इतना मुझे प्यार मिला, लोगों से मैं इंटरेक्ट हुआ, तो मुझे पता चला कि वो लोग किस तरह सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में। बड़ा अच्छा सोचते थे लोग। हर 15 किलोमीटर बाद उनका मजहब भी चेंज हो जाता है और उनकी जुबान भी चेंज हो जाती है। कितने रस्म और रिवाज है वहाँ के ऊपर, लेकिन उन सब यूनिटी के साथ इकट्ठा करके रखा उन्होंने। क्योंकि इंडिया चूंकि हमारे सब कॉन्टिनेंट में हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि कैसा है इंडिया, हमारा कैसा है। लोग यहाँ पे पूछते हैं हमारे से, तो इसलिए ये वाकई ड्रीम डेस्टिनेशन है हर किसी का। यानी मुझे कोई नेगेटिव बंदा नहीं मिला, मैंने कोई ऐसा नेगेटिव बंदा अपने इस पूरे दौरे में नहीं देखा। लोग हंड्रेड ऑफ लोगों को रोज में मिलता था, और जिसको पता चलता था मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो वो बहुत पॉजिटिव। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। इंडिया में वर्ल्ड कप को कवर करने आए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अब्बास शब्बीर अली अब वापस अपने देश पाकिस्तान लौट चुके हैं। वहां पर जाके उनकी बहुत सारी वीडियोस में अब्बास अली इंडिया का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। इनके हर वीडियोस में भारत का जिक्र होता ही होता है। अब्बास अली के मुँह से भारत की तारीफ सुनकर वहाँ के लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन इंडिया बन चुका है, क्योंकि जो वैरायटी इंडिया में एक टूरिस्ट को मिलेगी वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। इंडिया में हर चीज में वैरायटी देखने को मिलती है, इसलिए कहते हैं कि एक बार जो भारत आता है वो भारत का ही होके रहता है। क्रिकेट को कवर करने आए अब्बास अली ने क्रिकेट से ज्यादा भारत में ब्लॉग्स वीडियोस बनाए, जिसमें उन्होंने भारत के शहर, फूड और भारत के लोगों का मेहमानों के प्रति बर्ताव, ये सब कवर किया। और जब अब्बास अली अब पाकिस्तान वापस लौट चुके हैं, वो भारत और भारत के लोगों की तारीफ करते नहीं थक रहे। आप आगे इस वीडियो में देखोगे अब्बास अली के साथ मौजूद दो पाकिस्तानी लाइफ में एक बार तो इंडिया आना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इंडिया असल में कैसा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो बताया जाता है कि भारत एक दुश्मन मुल्क है। वर्ल्ड कप से पहले पीसीबी के चेयरमैन ने भी कहा था कि हमारी पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने दुश्मन देश जा रही है। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अलावा इसी वर्ल्ड कप को कवर करने आए पाकिस्तानी जर्नलिस्टों का इंडिया के बारे में अलग ही ओपिनियन है, जो आप अब्बास शब्बीर अली के कई वीडियोस में देख चुके हैं। और मजे की बात यह है कि ये सब स्पोर्ट जर्नलिस्ट है, लेकिन कोई भी स्पोर्ट को लेकर बात नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इनके टीम की लगी पड़ी है। अभी भी पाकिस्तान का सेमीफाइनल में खेलना तय नहीं है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले ये वीडियो और फिर बात करते हैं इस वीडियो के एंड में। विक्रम खाना लेकर आ रहे हैं, ये हमारी रोज की रूटीन है। ये इस्लामाबाद प्रेस क्लब है, ये रिजवान गिलजई हैं, ये हमारे दोस्त हैं, एक जर्नलिस्ट हैं बड़े सीनियर। ये विक्रम आया जी, विक्रम थैंक यू। ये विक्रम देखें जी, ये खाना लेकर आया। और विक्रम हमारा और भाई ये है, बड़ा जबरदस्त। मैं आपको वहां पर जो जब मैं इंडिया में होता था, तो मैं जो फूड हम खाते थे तो हम शेयर जरूर करते थे। ब्रेकफास्ट भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। और ये देखें जी, ये दाल है तड़के वाली, और इसी तरह लग रहा है कि वहां पर बैठ के खा रहे हैं। देखे ना, ग्रीनरी है। विक्रम है ये हमारा शहजादा। ये देखें, ये फ्राइड राइस भी दिखाया। ये फ्राइड राइस मैं दिखा रहा हूँ पूरा मेन्यू। ये दाल है, ये रायता, ये सैलेड, और ये एग फ्राइड राइस। और इंडिया की स्टोरीज हैं, इंडिया की जो यादें हैं, क्योंकि ये लोग भी कमेंट्स पढ़ते हैं और भी दोस्त कमेंट्स पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त आपका टूर रहा, बड़ी मोहब्बतें आप लेकर आए। मैंने कहा जी, मोहब्बतें तो देने वालों का शुक्रिया जिन्होंने मोहब्बतें इतनी दी हैं। हम तो सिर्फ वहाँ पर गए हैं और हमने तो अच्छे तरीके से अपने टूर का, प्रोफेशनल ड्यूटीज का आगाज किया है, तो बड़ा वंडरफुल रहा। विक्रम कितने साल से बच्चे तू यहाँ पे काम कर रहे हैं, जरा मेरे व्यूअर्स को जो 6 साल दुनिया में, वो आगे आके जरा बात कर। जी 6 साल हो गए सर। ये विक्रम है जी, ये पूरा नाम बताओ। विक्रम मसीह सर। विक्रम मसीह जी, ये बड़ा जबरदस्त बच्चा है और 6 साल से यहाँ पे काम कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कई सालों से, क्योंकि मैं 15-16 साल से तो मैं प्रेस क्लब आ रहा हूँ, मुझे लगता है कई सालों से, क्योंकि हर वक्त ये फोन के ऊपर अवेलेबल होता है। पबजी ये बहुत खेलता है, देखें हर वक्त बस इसका काम है। लेकिन ये हम इससे प्यार करते हैं, सब इससे, जितने दोस्त इसके प्रॉब्लम भी है, क्योंकि आपके बहुत सारे फैंस इंडियन हैं और वो आईटी के बड़े एक्सपर्ट हैं। इसका जो ट्विटर लॉगिन था वो पबजी के साथ कनेक्टेड था, और अब वो दोबारा से ये लॉगिन नहीं कर पा रहे। तो काइंडली कमेंट्स में अगर कोई विक्रम की हेल्प कर सके और इनके वो पबजी का अकाउंट रिस्टोर हो जाए, क्योंकि ये बड़े अच्छे पबजी खेलते हैं। विक्रम भाई जो है ना, वो विक्रम भाई क्या हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारे भी दिल के बहुत करीब हैं।
तो जब जिस दिन ये यहाँ पे ना हो तो हमें लगता है कि यार किसी चीज़ की कमी है। बिल्कुल जी, ये हम सब एक साथ ही होते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं। कभी मैं शुरू से बात आपको करता हूँ कि ह्यूमैनिटी इज़ द मेन थिंग, जो रिलीजन बेस्ड चीज़ें होती हैं उस पर नहीं इतना रिलाय करना चाहिए, एज ए ह्यूमन बीइंग आपको रहना चाहिए। नहीं मिला जी, वरना तो ये हमने मिस किया है, ये लाइफ टाइम इवेंट था, ख्वाहिश भी बड़ी थी हमेशा से, बल्कि बचपन से, क्योंकि हम पाकिस्तान इंडिया सेम ही है, इंडियन टीवी फिल्म्स ड्रामे ये सारे हम फॉलो करते रहे, तो वो सारी चीज़ें बड़ा शौक था कि वो जो टीवी पे देखते थे वो खुद जाके देखें। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, कभी जिंदगी में फिर मौका मिलेगा तो ज़रूर ये इसको अचीव करें, इसको बिल्कुल हम इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन ये कि अभी भी जैसे मैंने कल भी कह रहा था कि वो जो जिस चीज़ को हम मिस कर रहे थे वो अब्बास भाई हमें बताते हैं, वीडियोज़ हमने देखी उसमें, हमने ऐसे ही फील किया कि जैसे हम खुद भी वहाँ पे मौजूद थे। और ख़ास तौर पे एक तो अब्बास भाई के मुंह से हम ये सुनते हैं तारीफ़ें, हम पहले भी जो लोग जाते हैं ज़ाहिर है कि अच्छी यादें लेके आते हैं, लेकिन जो कमेंट सेक्शन के अंदर लोगों की जो मेच्योरिटी है ख़ास तौर पे, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग, बहुत से ऐसे लोग शायद पाकिस्तान में भी, वो अपने इमेच्योरिटी का मुजाहरा कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे कोई ऐसा कमेंट नहीं नजर आया जो नेगेटिव हो, सब पॉजिटिव कमेंट्स हैं अब्बास भाई, और लोग आपकी पॉजिटिविटी से बहुत मुतासर हुए हैं। अब्बास भाई मैं एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जिस तरह रिजवान भाई ने भी कहा कि इंडिया जो है ना वो तो मेरा तो ड्रीम डेस्टिनेशन है इंडिया, और आपको ये पता है कि हम दोनों ने तकरीबन जो फाइल बनाई थी वो इकट्ठी है, अभी भी वो फाइल जो है ना। हाँ जी बिल्कुल, ये आईसीसी का ये वो मुतासिर लोग हैं जिनको वीजा नहीं मिला था, एक्रेडिटेशन मिल गई, वीजा नहीं मिल सका। वीजा जो हम वहां पर ये बात करते थे कि बहुत सारे जो हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं और फैंस हैं उनको वीजा नहीं मिला था, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, जहां पर इतना मुझे प्यार मिला, लोगों से मैं इंटरेक्ट हुआ तो मुझे पता चला कि वो लोग किस तरह सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, बड़ा अच्छा सोचते थे लोग, हमें बताते थे, तो ये दोस्तों ने मिस किया है और ये हमें ऑनर मिला है कि आगे मौका मिलेगा जी बिल्कुल, अभी पूरी जिंदगी है तो ये ड्रीम डेस्टिनेशन, ये ड्रीम डेस्टिनेशन है जी इंडिया का, हर किसी का ड्रीम डेस्टिनेशन होता है, क्योंकि इंडिया चूंकि हमारे सब कॉन्टिनेंट में हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि कैसा है इंडिया, हमारा कैसा है, लोग यहाँ पे पूछते हैं हमारे से, तो इसलिए ये वाकई ड्रीम डेस्टिनेशन है हर किसी का, और ये ड्रीम अभी हमारा पूरा हुआ है और अभी भी हम लगता है कि अब हम इंडिया के ख्वाब में है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, वर्ल्ड कप के बहाने भारत आए अब्बास शब्बीर अली, कुछ ही शेर घूमे है, अब्बास अली सिर्फ उन शहरों में ही घूमे है जहाँ जहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वेन्यू था, तो इंडिया के कुछ सिटीज घूमने के बाद ही अब्बास अली इंडिया के दीवाने हो गए, तो अगर ये पूरा इंडिया घूमते तो क्या होता। मुझे तो लगता है भारत की विविधता देख अब्बास शब्बीर अली भगवाधारी ही बन जाते, अगर भगवाधारी ना भी बनते तो भी अदनान सामी जैसे इंडियन सिटीजन के लिए अप्लाई जरूर करते और भूल जाते कि दुनिया में पाकिस्तान नाम का भी कोई देश है। अब्बास अली इंडिया घूमने के बाद अपने कई वीडियोस में ये कबूल कर चुके हैं कि भारत पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल चुका है, वही पाकिस्तान दिन ब दिन आगे बढ़ने की बजाय डूबता जा रहा है। अपने वीडियो में देखा अब्बास अली ने एक हिंदू लड़के को दिखाया जिसका नाम विक्रम बताया गया, ये लड़का 6 सालों से इनके ऑफिस में काम कर रहा है। अब्बास अली ने वीडियो में बताया कि वो इंसानों को धर्म के चश्मे से नहीं देखते, लेकिन पाकिस्तान में अब्बास अली जैसे लोग बहुत कम है, उंगली पर गिनने जितने। अगर सारे पाकिस्तान की सोच अब्बास अली जैसी होती तो शायद पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कम नहीं हुई होती। इस्लाम को आगे रखकर सोचने वाले पाकिस्तान ने माइनॉरिटी को पाकिस्तान से लगभग खत्म ही कर दिया है। इन पाकिस्तानियों को लगता है कि पाकिस्तान पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनकर इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करेगा, लेकिन पाकिस्तान बहुत ज्यादा दोगला देश है जहाँ पर पाकिस्तान हमास के मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा है और उनकी मदद करना चाह रहा है, वही दूसरी तरफ पाकिस्तान में सालों से रह रहे अफगान मुसलमानों को अपने देश से निकाल रहा है, इसलिए इनका कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। खैर दोस्तों आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।